A very warm welcome to my YouTube channel. I'm Pooja. Hope you all guys are doing well. And if you are new to my channel, please subscribe and hit the bell icon so you get notification every time when I upload any new video. Hope you guys are enjoying your festive season and happy with your family. So aaj ka video bahut hi zyada khaas hai kyunki I'm gonna create a simple yet elegant makeup look for the festive seasons because बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं लाइक राखी और आपका ईद आ रहा है तो उसके लिए एक गॉर्जियस मेकअप लुक जिससे आप एकदम ग्लैमरस और गॉर्जियस लगेंगी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड गॉर्जियस है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं कोई भी प्राइमर यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत स्वेटिंग होती है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र प्राइमर अप्लाई करने से आपको बहुत ही ज़्यादा केकी लुक हो जाएगा जिससे बिल्कुल भी मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इस बहुत ही सिंपल मेकअप में सिर्फ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी, इससे आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन मिलेगा और बहुत ही अच्छा लुक आएगा। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी बीबी क्रीम। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले छोटा लिया था देखने के लिए कि अच्छी बीबी क्रीम है या नहीं, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है इसलिए मैंने दूसरा परचेज़ किया है। मेरा पहला वाला ऑलरेडी फिनिश हो चुका है आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने कोई भी फाउंडेशन लगाने के लिए नहीं सजेस्ट किया है, बहुत ही सिंपल और एलिगेंट मेकअप मुझे रखना है इसलिए मैं नॉर्मल बीबी क्रीम लगाऊंगी और आपको इस तरीके से जॉब जॉब करके अपनी डायरेक्टली फेस पर लगाना है। उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, याद रहे बहुत अच्छे से ब्लेंड करिए आप। जितना भी कोई भी बीबी क्रीम या फाउंडेशन जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगी वो इतना ज़्यादा अच्छा और एलिगेंट लगेगा और आपको एक गॉर्जियस लुक देगा। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छी फिनिश दे चुका है मेरे फेस को ऑलरेडी मुझे। आप बीबी क्रीम और फाउंडेशन को कभी एक साथ यूज़ मत करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर। तो मेरे फेस पे ज़्यादा मार्क्स नहीं है, डार्क स्पॉट्स भी नहीं है, डार्क सर्कल्स भी नहीं है, कोई भी रिंकल्स नहीं है और ब्राउन स्पॉट्स नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा कंसीलर यूज़ करूँगी। ये बहुत अच्छा है कंसीलर, मैंने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है और मैं अभी तक एक ही कंसीलर पर रुक गई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। तो अगर आपको परचेज़ करना है तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको अच्छे से इसको भी अप्लाई करूँगी, ब्लेंड करूँगी। कोई भी प्रोडक्ट आप फेस पे लगाएं तो उसको अच्छे से ब्लेंड करें जिससे मेकअप बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस हो। आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से ब्लेंड करना है और ये बहुत ही अच्छी फिनिश देगा। तो मेरा बेस तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा है। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी एक कॉम्पैक्ट पाउडर। यस, आपको मैंने पहले भी बोला है कि फिट मी का कॉम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत ही अच्छी मैट फिनिश देता है और आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होगी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये इस तरीके से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लें। इसके बाद मैं करूँगी कॉन्टोरिंग। यस, बहुत सारे लोगों को कॉन्टोरिंग नहीं पता है तो बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, पूरा डिटेल वीडियो ऑन कॉन्टोरिंग एंड हाइलाइटिंग। बट उससे पहले बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा एलिगेंट और गॉर्जियस मेकअप लुक क्रिएट करते हैं। तो आपको इस तरीके से कॉन्टोरिंग करनी है, आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करना है। और बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में भी दे चुकी हूँ, अगर आपको बाय करना है तो आप वहाँ से जाके उन सारे प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। इस तरीके से करना है। मैं थोड़ा सा कॉन्टोरिंग अपने नोज़ पे करूँगी, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग इसमें नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और एलिगेंट मेकअप है तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें कुछ अप्लाई नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं आपको बस थोड़ा सा ब्लश यूज़ करना है, ब्लश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके चीक्स को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और पिंकी चीक्स बना देता है। मैं पिंक ब्लश यूज़ करने की बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पीच पसंद है और पिंक बहुत ही ज़्यादा अलग से आपके फेस पे हाईलाइट होता है। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी। यस, मुझे अपने आईब्रोज़ को फिल किए बिना पूरा मेकअप बिल्कुल ही अधूरा लगता है।
तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आईब्रोज़ की केयर नहीं करते हैं और अपने आईब्रोज़ को कभी फिल नहीं करते हैं, कभी भी उनको अच्छे से क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो बिना इसके मेकअप बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा और इसके बिना तो ऑलरेडी मेकअप बहुत ही ज़्यादा अधूरा है। ये आपकी आईज़ को बहुत ही इन्हांस करता है और बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा अपना, ये चीक ब्लश है तो मैं इसको अपने आई शेडो में की तरह से यूज़ करूँगी। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पीची लुक आ जाएगा, बिल्कुल नेचुरल लगता है। इसके बाद मैं इसमें गोल्ड शिमर वाला आई शेडो यूज़ करूँगी, बट फिलहाल मैं इसको पहले बेस के तौर पे इसको लगाऊँगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं ये गोल्ड शिमर अपने पूरे आईलिड्स पे लगाऊँगी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा पीची गोल्डन लुक देगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये आपको बिल्कुल हल्के हाथों से पूरे आईलेट पे अपने अप्लाई करना है, ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, आपको आई शेडो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है अपने पूरे क्रीज एरिया में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करना है। और अभी मेरा आई शेडो पूरा लुक क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी आई लाइनर। यस, मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक आई लुक क्रिएट नहीं करने वाली हूँ, बहुत ही नॉर्मल और सिंपल और एलिगेंट और गॉर्जियस लगने वाला मेकअप मैं बताने जा रही हूँ, तो इसमें मैं कुछ भी ड्रामेटिक यूज़ नहीं करूँगी। बहुत ज़्यादा हाईलाइट आपके फेस पे कुछ भी नहीं होगा और बहुत ही नेचुरल सा येट गॉर्जियस लुकिंग मेकअप होगा। ये आपको बिल्कुल हल्के हाथों से बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा विंग नहीं बनाना है, मैंने इसमें बहुत ही सिंपल रखा है। मैं काजल के तौर पे यूज़ करूँगी आई शेडो। यस, इट इज़ अ ब्राउन आई शेडो, ये आपकी आईज़ को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएगा। मैं इसमें कोई काजल यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही नेचुरल एलिगेंट मेकअप क्रिएट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही आईज़ को ड्रामेटिक नहीं करना है और ये ब्राउन आई शेडो आपकी आईलिड्स पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको यूज़ करना है मस्कारा। यस, मैं ये लैक्मे का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देगा आपकी आँखों को और बहुत ही सुंदर दिखाएगा। उसके बाद आखिरी में हाइलाइटर। यस, हाइलाइटर मेरा बेस्ट पार्ट है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैंने ऑलरेडी अपने दो हाइलाइटर के बारे में प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया है। अगर आपको नहीं पता है हाइलाइटर क्या होता है तो आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, और अगर आपको उसमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि मेरा बहुत ही जल्दी एक बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है, पूरा डिटेल वीडियो ऑन कॉन्टोरिंग एंड हाइलाइटिंग, सो फिकर नॉट। एंड आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे कहाँ पर अप्लाई करना है हाइलाइटर। आपको उस एरिया में अप्लाई करना है जहाँ पे आपको लाइट्स आपके चेहरे पे पड़ती हैं, जिससे ये आपको बहुत ही ग्लॉसी और बहुत ही प्यारा लुक दे। उसके बाद मैं अपने फेवरेट स्टेप पे आ गई हूँ, जो कि है लिपस्टिक। सो दिस लिपस्टिक इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही प्यारा रेड है। यस, इसको आप लगाएंगे ना तो आपका चेहरा सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मैंने बहुत ही सिंपल मेकअप रखा है जिसकी वजह से मैंने थोड़ा ब्राइट लिपस्टिक यूज़ की है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो उसके बाद आपका फेस कुछ ऐसा लगने वाला है, ये बहुत ही प्यारा लुक है। आप इसको ईद में, राखी में और बहुत सारे फेस्टिवल्स में इसको क्रिएट कर सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है, आपकी क्या क्वेरीज़ हैं, आप कौन से वीडियो देखना पसंद करते हैं जिससे मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। और ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा मेकअप था और बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस था। तो ये था मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं ये सूट तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अगर आपको ये सूट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका ऑनलाइन लिंक क्रिएट कर दूँगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।